देवियों और सज्जनों नमस्कार, गुड इवनिंग। इस LOL में, लर्निंग ऑफ लॉकडाउन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज एक मिनट देर हो गया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपके लिए जो भी कुछ मैं लेके आया हूँ आज, इस गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू वैभव, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन टाइम ऑलवेज, इवन यू आर नेवर लेट। आई जस्ट स्विच्ड ऑन एंड यू आर देयर। थैंक यू सो मच वैभव। यहां से शुरू करते हैं कि कल मैंने पढ़ा था कहीं, इतिहास याद रखेगा, कल का दिन जब पूरा संसार डगमगा रहा था, इतिहास याद रखेगा कल पूरा दिन जब संसार डगमगा रहा था और गर्व होगा अपने भारत पर क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जगमगा रहा था। तो लोगों ने जड़ना शुरू किया है और जुड़ना शुरू किया है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा आपके प्यार के लिए, छू सकूं या ना छू सकूं आसमां को, इसका मुझे गम नहीं। छू सकूं या ना छू सकूं आसमां को, इसका मुझे गम नहीं। अगर छू जाऊं कुछ दिलों को तो मेरे लिए आसमां से कम नहीं। तो आप सब लोग जो शाम को जुड़ते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। संजय जिंदल जी नमस्कार, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, सत्यवीर सैनी, वैभव निगम, आशीष आनंद, सन्नी शर्मा, मनीष उपाध्याय, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब शाम को मुझे मतलब इतना प्यार मिलता है, इंतजार कर रहे होते हैं, मैं भी इंतजार कर रहा होता हूँ। एक मिनट आज मैं लेट हो गया तकनीकी कारणों से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राज जैन जुड़े हैं अभी, भवाना इंडस्ट्री ले आगे किंग हैं। मतलब अगर किसी को प्रॉपर्टी अगर भवाना में कहीं खरीदनी बेचनी है तो उनसे बढ़िया और उनसे अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। शरद मित्तल नोएडा से जुड़े हैं, योगेश खन्ना जुड़े हैं। योगेश जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं योगेश जी की अभी इनकी वेबिनार थी संडे को, उसके उनके साथ 2 घंटे रहा। इन्होंने कमाल कर दिया कि अपनी जिंदगी को कैसे सरल कर सकते हैं। इनको अगली सेमिनार आएगी तो मैं लोगों को बताऊंगा कि भैया इनको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। और सन्नी शर्मा लिख रहे हैं, तेरी हर बात से मुझे सुझाव सा दिखता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं कि जिंदगी में कहानियां बहुत कनेक्ट करती हैं। एक व्यक्ति जो स्कूल से बिछड़ने के बाद, अपने दोस्तों से बिछड़ने के बाद अपनी दिनचर्या में लग गया, कुछ कमाने लगा, खाने लगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वो बहुत परेशान रहता था। और जब अपने दोस्तों से बात करता उसे लगता है कि शायद मैं ही पीछे रह गया हूं। तो उसे जब लगा कि बहुत पीछे रह गया हूं तो कभी कभी वो कहीं पार्क में जाके बैठ जाता, कभी किससे बात करता, कभी गुमसुम रहता। एक बार वो ऐसे ही पार्क में एक मुंडेर पे बैठा हुआ था और सामने एक मस्जिद गाड़ी खड़ी हुई थी चमचमाती हुई। और तभी उसने देखा थोड़ी देर में उस मस्जिद गाड़ी को खोलने के लिए जो व्यक्ति आया वो उसका बचपन का दोस्त था। उसने कमाल है यार, मतलब मेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच गए। जंप मारा उसने और जाके कंधे पे हाथ मारा, कहां से कहां पहुंच गया, मैं तेरा दोस्त पहचाना। और ये दोनों गले मिले, बोला बड़ा किस्मत वाला है यार, तू देखो कितने बड़े आलीशान तरीके से रह रहा जिंदगी को, मस्जिद तेरे पास है और क्या जवाब है तेरी जिंदगी का, मैं कुछ कर नहीं पाया खास यार जिंदगी में। तो उसने कहा भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मस्जिद मेरी नहीं है, मैं मस्जिद पे ड्राइवर हूं, इस गाड़ी को चलाता हूं, कोई बहुत अलग अलग नहीं है, वी आर इन द सेम बोट। उसको लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ चल रहा है फ्लो में बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आप जहां भी हैं बहुत अच्छे हैं, अगर पौधा टमाटर का हो या पेड़ आम का हो, दोनों ही प्रकृति में अपना अपना महत्व रखते हैं। टमाटर का अपना महत्व है, नींबू का अपना महत्व है, आम का अपना महत्व है। ऐसे काफ़ी सारी क्लासेज में जब मैं बात करता हूँ लोगों से, लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, तो भैया क्यों तुम एलिफेंट को टाइगर और टाइगर को एलिफेंट बनाने में लगे हो, लेट्स बी ओरिजिनल। अब्दुल कलाम आजाद कहते थे, इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं तो अपनी बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि आपकी अपनी डाई है, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है। फोटो कॉपी पसंद है या ओरिजिनल पसंद है लोगों को, ओरिजिनल। तो मैं अक्सर अपनी ओरिजिनल जिंदगी में अपने तरीके से जीता हूँ और आपको बहुत सारी चीजें आज बताऊंगा, आपको लगेगा कि मैं किस तरीके से जीता हूँ। और लोग इस बात को मानते हैं, मैं उनका नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जिसे कहते हैं नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मैं कहता हूँ मेरा प्रयास रहता है कि पहले मैं उसको करूँ, उसको जीऊं, ताकि मैं उसको कह सकूँ ठीक से। आप सब लोग को महावीर जयंती की शुभकामनाएं, आज महावीर जयंती भी है। तो महावीर जी ने जो 5 सिद्धांत बताए थे, मैं आज उनके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ आपको कि महावीर स्वामी ने वो 5 सिद्धांत क्या बताए थे, जिन 5 सिद्धांतों पर पूरी उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई और बोला कि 5 सिद्धांत आप तरीके से अगर
बिता लें, उनको अगर जी लें जिंदगी में, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो पहला सिद्धांत था अहिंसा, किसी भी परिस्थिति में हिंसा से दूर रहना। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको हथियार चाहिए तो मतलब आपके मन में किसी के प्रति कुछ ना कुछ गलत भाव आ रहा है, क्योंकि जिंदगी के मसले तो प्यार से सुलझाए जा सकते हैं। अगर आपको हथियार चाहिए तो इसका मतलब प्यार नहीं है, सुलझाना नहीं चाहते, आप कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, 5 सिद्धांत है और हिंसा आपको शब्द से भी नहीं करनी है। दूसरा सिद्धांत सत्य, कठिन से कठिन समय में भी आपको सत्य के साथ रहना। आपने पढ़ा होगा सत्य विचलित हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। तीसरा सिद्धांत था अस्तेय, हमेशा हम मतलब संयम से रहें, कोई मन में ऐसी भावना ना आए, चोरी की भावना, बुरी भावना, कपट द्वेष की भावना। चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य, मतलब मन को पवित्र रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। भावना से ये जुड़ी बात है, आप सब जानते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब। मैं इस पर भाषण देने वाला नहीं हूं आज, ना कुछ बताने वाला हूं। तो ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने बोला। उसके बाद पांचवा सिद्धांत अपरिग्रह, इसके बारे में थोड़ा जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे वेदों में भी लिखा है कि आप पुरुषार्थ से कितना भी पैसा कमाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पास उतना ही रखें जितना आपकी आवश्यकता है। अपरिग्रह मतलब चीजों का संग्रह नहीं करना है, चीजों को बांटना है। मतलब मेरे को एक बार मेरे जन्मदिन पर किसी ने आशीर्वाद दिया कि राकेश जी आपको चारों हाथों से धन की वर्षा हो आपके ऊपर। मैंने कहा भाई आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप साथ में मुझे एक और आशीर्वाद दो कि मैं आठों हाथों से इसको बांटूं। बोले कमाल है यार राकेश जी आपका, लेकिन सच में मन रहता है, क्योंकि मैंने समझ लिया है जिंदगी में देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। आप जितना दे दो उतना बढ़िया है। आपको चाहिए क्या? आपको सोने के लिए 6x3 की जगह चाहिए? खाने के लिए आप कितनी रोटी खा लोगे? आपके दिन पे दिन खुराक घटती जा रही है। लोग कहते हैं कि 2 रोटी की भाग दौड़ है, तो मैं कहता रोटी खाते कितनी हो? कई लोग छोड़ते I have dropped my carbs, I have quit my carbs, I'm not taking carbs, I'm taking off my belt size and waistline. So what are you talking, man? आप carbs खा कहां रहे हो? आपको चाहिए ही कुछ नहीं। आज की तारीख में तो आपको ऑक्सीजन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए। सो एनीवे, कितने लोग जुड़े जरा एक बार देखते हैं। सुरेश चंद जुड़े हैं जयपुर से, और रवि आहूजा जुड़े हैं बहुत दिनों बाद, पुष्कर सिंह जुड़े हैं अभी, स्मिता नारायण जुड़ी हैं अभी जो कि अक्सर डेली जुड़ती हैं, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, विजय लक्ष्मी नेगी जुड़ी हैं, और बाकी सब लोग बीच में काफी सारे लोग हैं, इनके नाम में बात नहीं एक बार फिर लूं। जितेंद्र कुमावत जुड़े हैं अभी जयपुर से, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजकल लोगों के मन में जो थॉट्स आते हैं, मैं उन थॉट्स पे काफी काम करता हूं। और थॉट्स क्या आते हैं कि कई बार लगता है कि हमारा शरीर ना वो ठीक नहीं है यार। मतलब कोई बोलेगा मैं काला बहुत हूं, कोई बोलेगा मोटा बहुत हूं, कोई बोलेगा पतला बहुत हूं। तो आपको पता है इन चीजों को आपके दिमाग में ठीक से फिट करने के लिए, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपका माइंडसेट है, जो आपने कहीं से देख के सुन के बना लिया है, तो उस पर हम रोजाना एक थेरेपी करते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं। आओ उस मेडिटेशन को देखते हैं। अपनी आंखें बंद करें सब लोग, जहां भी हैं अपनी आंखें बंद करें, अपने श्वास के साथ रहें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को महसूस करें, अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को महसूस करें। बी विद योर ब्रेथ, लेट योर थॉट्स कम एंड गो नेचुरली। विचारों को स्वाभाविक रूप से आने दें और जाने दें, बस अपने सांस पर ध्यान रखें। मानो कि आपका सांस ही है जिसने आपको बिठा के रखा है। बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू आर ब्रीदिंग। आप अपने इष्ट देव को याद करें और उनका शुक्रिया केवल एक चीज के लिए करें कि मुझे सांस आ रहा है। आप अपने सांस को इस तरह महसूस करें जैसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपके पास है। आपके पास, आपके सामने, आपकी मानसिक आंखों से महसूस करें कि एक बहुत उम्दा किस्म का, एक अच्छी क्वालिटी का सीसीटीवी लगा हुआ है, और सीसीटीवी से आप अपने हर शरीर के अंग को बारीकी से देखेंगे, ऊपर से देखना शुरू करेंगे। पहले, सबसे पहले अपने मस्तक को, ललाट को देखिए। माना कि किसी राजा का ललाट हो, उससे जो ओज और तेज टपक रहा है, जो ऊर्जा टपक रही है, वो केवल आप ही के पास है।
और नीचे आएंगे अपनी आंखों को देखिए, मानो हिरण की आंखें हों। आपको इतनी अच्छी आंखें मिली हैं जितनी सुंदर आंखें शायद किसी के पास ना हो। अपनी नाक को देखिए क्लोजली, आप जिंदगी में उस हर चीज को सूंघ सकते हैं दूर से ही जो आप सूंघना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। अपनी होठों पर आइए, कितनी मधुर मुस्कान है, कितने अच्छे होठ हैं। अगर थोड़ा सा फैला दें तो मानो कि पूरे अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाए। इतनी अच्छी मुस्कुराहट देने वाले अपने होठों को देखिए। आप अपने शोल्डर्स को देखिए, उस सीसीटीवी केवल शोल्डर्स को देखिए, मानो कि पूरे विश्व के सबसे मजबूत कंधे आपके पास हैं। आप नीचे आएंगे, अपनी मजबूत सीने को देखिए जो किसी पहाड़ से टकराने के लिए तैयार रहता है। अपनी भुजाओं को देखिए, माना कि महाराणा प्रताप की भुजाएं हों। इतनी मजबूत भुजाएं भगवान ने आपको दी है। नीचे बेल्ट पर उतरिए, मानो कि एक मजबूत बैलेंस जो हर चीज को संभाले हुए है। आप और नीचे आएंगे, अपनी जंघाओं को महसूस करें, मानो अंगद की जंघाएं हों। अपने घुटने जो कि 100 वर्ष तक काम करने के लायक हैं, आपको गर्व है अपने घुटनों पर, उनकी लोच पर। अपने पैर जिन पर आप भागते हैं, दौड़ते हैं, जो कभी आपको रुकने नहीं देते, अनस्टॉपेबल लेग्स। अपने पैर जिनके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। नीचे से वापस ऊपर आएंगे, मानो कि आपके पूरे शरीर में एक विशेष लाल रंग का बिंदु नीचे से चल रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, जो शरीर के अंदर के भाग को दिखा रहा है। आपका हीमोग्लोबिन का लेवल इतना अच्छा है जिसकी आप कामना नहीं कर सकते। भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है, शरीर के हर अंग को इतना सुंदर बनाया है। भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि आपको शरीर मिला है। भगवान ने आपको इंसान बनाया है। दोनों आंखों को बंद रखे अपने हाथों को उठाएंगे, हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे और हथेलियों को इतनी तेजी से रगड़ेंगे खूब गर्म हो जाएं, एक गर्माहट पैदा कर सकें। और इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखेंगे और महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपने अपने शरीर के लिए बनाई है। उस शरीर में जो ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें। भगवान का शुक्रिया करें इस ऊर्जा के लिए, इस शरीर के लिए जो कि 100 बरस तक जीने के लिए बनाया है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड दिस जर्नी एंड यू आर प्राउड ऑफ योर बॉडी। कल मैं किसी एक व्यक्ति को सुन रहा था वीडियो पर और वो बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो जरा अपने आप से पूछे कि आत्महत्या अगर वो ना करे तो क्या फायदा हो, क्या नुकसान होगा उसे। तो एक व्यक्ति का उन्होंने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि भाई आत्महत्या क्यों करूं, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है, मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं है, क्यों रहूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोला अच्छा तो डील करते हैं, तू आत्महत्या मत कर, मैं तेरे को 25 लाख रुपए दूंगा। अरे बोला सच में? बोला हाँ। लेकिन बोला जो तेरे पास कुछ नहीं है उसी में से मैं कुछ मांगू दे देगा? बोला कुछ है ही नहीं। अरे बोला मांग रहा हूं तू 25 लाख रुपए दूंगा, तू मेरे को देगा ना? बोला हाँ दी। मैंने बोला अपने दोनों आंखों को दे दे। बोला मैं नहीं दूंगा। बोला अभी तू कर, मेरे पास कुछ है ही नहीं, चले काम कर, डील थोड़ा कम करते, 15 लाख रुपए में अपने दोनों पैर दे दे। कह रहे मैं नहीं दे सकता। बैठे बैठे 1 करोड़ का सामान उसने गिनवा दिया उसके पास है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपको भगवान ने शरीर दिया है, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक प्राणी पूरे विश्व में क्या है, कोई बोलेंगे शेर है, कोई बोलेंगे डायनासोर है, कोई बोलेंगे व्हेल है, सबसे खतरनाक प्राणी इंसान है। जो किसी भी चीज को आप देखिए, चिड़ियाघर में सब जानवरों को बंद किया हुआ है, सर्कस में देखिए, आपसे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। मतलब आप चाहें तो भगवान को उतार लें जमीन पे, और लोगों ने उतारा है जिन्होंने जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हो। कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बट आपको विश्वास होना चाहिए। तो आगे चलते हैं इस कहानी से, आगे चलते हैं।
और आज के जो बिगडम बैश है उस पे काम करेंगे। बिगडम बैश का मतलब बड़े लोग क्या करते हैं, तो बड़े लोगों के बारे में जरा बात करते हैं। लोगों के दिमाग में फितूर रहता है कि वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सर हम तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, क्योंकि बचपन से आपने सुना है तो आप वही बोलते हैं। तो कितने लोगों ने सुना होगा, आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो एक अपर क्लास फैमिली से आता हूँ, अक्सर सर मिडिल क्लास फैमिली है। और जो लोग 1-2% लोग हैं वो कभी पता ही नहीं लगता। अब प्रिंस चार्ल्स का बेटा कभी नहीं बोलेगा कि मिडिल क्लास फैमिली है, क्योंकि राज परिवार में रहा है, तो जन्म वहां पे उसका हुआ है। और कई लोगों देखिए, धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मिडिल क्लास फैमिली, आज देखिए किस स्थिति में पहुंचाया, अपनी पूरी लिगेसी बना दी है उन्होंने। तो आपको आपको देखना है कि आप कैसे सोचते हैं। तो बड़े लोग जो सोचते हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि वो बड़े लोग बने, तो बड़े लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे करते हैं। रॉबिन शर्मा एक बहुत बड़े लेखक हैं, वो ये कहते हैं इफ यू वांट टू डबल योर इनकम सो मेक योर इन्वेस्टमेंट 3 times इन योर लर्निंग। वो इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारे कोर्सेज, इतनी सारी महंगी किताबें, आप देखिए कभी 5-star होटल में आप जाइए, कभी एयरपोर्ट पे कुछ लोग किताब पढ़ते मिलेंगे, लेकिन वो कितने लोग होंगे, 1%, 2%। बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, वो सेल्फी ले रहे होंगे कहीं पे, वो जो कस्टम शॉप होगी उसमें कुछ खरीद रहे होंगे, और कुछ तो कॉफी कुछ खा रहे पी रहे होंगे, कुछ आए हैं तो कुछ तो कर ही लें, एयरपोर्ट पे हैं, कुछ को बता दें कि मैं हवाई जहाज में इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आधा घंटा ये बताने में लगा देते हैं कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। तो आप ये देखिए, बड़े लोग लर्निंग पे बहुत काम करते हैं। मैं आपको पहले अपनी वीडियो से बता चुका हूँ, अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है, आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ लगानी है। तो लोग बताएंगे गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, लैंड के अंदर, जमीन के अंदर, आपकी सही इन्वेस्टमेंट आपके खुद में है। और वो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, शरीर पे और एक अपने थॉट्स पे। और थॉट्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अपना बजट बनाइए, जैसे हर चीज का बजट बनाते हैं लोग, वैकेशन का बजट बनाते हैं। आपने कभी अपनी पढ़ाई का बजट बनाया है? ऐसा मैंने सोचा है कि मैं मतलब हर 5 साल में, ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, बट 5 साल में कोई ना कोई MA या कोई PhD या कोई बड़ा कोर्स वो करना ही करना है। आई हैव डन सो मच वर्क ऑन माई स्टडी, मतलब एक भी दिन मैं जाने देता नहीं हूं कि कुछ उस दिन जिंदगी में नया ना जोड़ा हो। मैं ये मानता हूं कि अगर पिछले दिन वाला ही अनुभव मेरा है, अगर मुझे उतना ही आता है जो पिछले दिन आता था, तो स्टेल, बासी, बासी किसी को पसंद नहीं है। जो मैं आपसे बातें करता हूं, इसको बनाने के लिए मुझे तैयारी करनी होती है, जैसे एक कोर्ट में वकील तैयारी करता है, डॉक्टर केस की तैयारी करता है, एक प्राध्यापक तैयारी करता है सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो वो कुछ नया ढूंढता हूं मैं। ये बात मैं जब आपको अगली बार मिलूंगा तो कुछ नए तरीके से नई बात बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको वही बात बता रहा हूं। ये गूगल पे नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, मेरी अवेयरनेस है, ये मैंने खुद अर्न किया है, इस पर मैं पूरी इन्वेस्टमेंट करता हूं, एनर्जी की, टाइम की, पैसे की। एक बार रॉबिन शर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ खास नहीं दिया, तो क्या दिया, तो बोले कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी दी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 1,000, 2,000, 3,000 किताब आपने खरीदी, तो 50 साल का एक अनुभव आपने 2-3 हजार रुपए में खरीद लिया। अगर उस अनुभव को आप खुद जीना चाहें, तो कितने लोगों का अनुभव आप जी पाएंगे, कितनी उम्र आपके पास है। सो अभी संजय जी लिख रहे हैं, आई एम ए स्टूडेंट टिल आई ब्रेथ लास्ट। संजय जी बहुत, संजय जी खुद बहुत बड़े लर्नर हैं, मतलब विश्व का कोई बड़ा इन्होंने कोच छोड़ा ही नहीं है, चाहे टोनी रॉबिन्स हो, चाहे ब्रायन ट्रेसी हो, और चाहे जिम रोन हो, और चाहे रॉबिन शर्मा हो, और इंडिया के तो नाम लूंगा तो लाइन लग जाएगी। अभी राकेश वर्मा देख रहे हैं, आशीष आनंद देख रहे हैं, और इसके बाद स्मिता नारायण देख रही हैं, मेडिटेशन बता रही हैं कि बहुत पीसफुल थी। और अमित हमेशा दुबई से जुड़ने लगे हैं आजकल, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमित सेठ पहले इंडिया में यहाँ पर AC का काम करते रहे, बिजनेस करते रहे, अभी दुबई में सेटल्ड हैं। और राज जैन कह रहे हैं अद्भुत, थैंक यू राज जी। तान्या मलिक रेवाड़ी से जुड़ी हैं, थैंक यू सो मच। जतिन वशिष्ठ जुड़े हैं अभी, कपिल खुराना जुड़े हैं, आनंद धल जुड़े हैं, सुशील खंडेलवाल जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जुड़ने के लिए। आगे चलते हैं, आज की जो थीम है ना, मैं सुबह सोच रहा था कि आज मैं क्या नई थीम दूं, तो मैं थीम कैसे बनाता हूं, कुछ कहीं बात चल रही होती है, मैंने कह रहा आज की थीम हो सकती है, और थीम में मैंने क्या रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ वरी। आप अपनी चिंता की रिप्लेसमेंट, चिंता की जगह कुछ और रख देंगे, चिंता खत्म, तो कैसा लगेगा कि आज के बाद चिंता ना करनी पड़े। तो चिंता को हम पहले कहते थे चिंतन, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। तो जब से आपने चिंतन बंद किया, मनन बंद किया, तब से चिंताएं शुरू हो गई। अब क्या है कि ये जो चिंता वर्ड है ना, ये चिंता वर्ड आपने क्रिएट किया है। और कैसे क्रिएट किया है, आप सब कुछ यहां रखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से मैं पूछता हूं कि भैया आप जो मकान में रहते हो उसकी लगभग पर स्क्वायर फिट कितनी वैल्यू होगी,
तो लोग बताते हैं हजारों में लाखों में। तो मैंने कहा आपके घर में अखबार आता है? बोला हाँ जी। तो वो अखबार की रद्दी भी होती होगी, डेली तो फेंकते नहीं होंगे? बोला हाँ जी। तो वो अखबार की रद्दी कितने में बेचते हैं? बोले महीने में, दो महीने में। तो अखबार की लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए, वो कम से कम इतना तो होता ही है कि एक स्क्वायर फीट जगह घेर लेता होगा आपकी, उसके साथ कुछ और जगह भी होती होंगी। तो इतनी महंगी जगह को आपने अखबार की रद्दी रखने में लगाया हुआ है, ऐसी आपके दिमाग में कितने सारे ख्याल हैं जो आपकी जगह दिमाग में घेरे हुए हैं। तो जब भी आपको चिंता हो, आप ध्यान रखें कि आपने यहां नहीं सोचना है, आपने कागज पे लाना है उसे। जैसे आप रामायण में देखते ना कि रात को असुरों की ताकत बढ़ जाती है, वो दिखते नहीं है, तो ऐसी जो आपके दिमाग में चिंता होती है वो जब यहां होती है दिखती नहीं है, दुश्मन दिख ही नहीं रहा, आप परेशान है, आप चिंता को कागज पे लाइए। मेरे पास काफी सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, काफी सारे पेरेंट्स, काफी सारे कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, काफी इंडिविजुअल व्यक्ति भी आते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई आपकी क्या परेशानी? बोले सर एक नहीं है, बहुत सारी है। बोले सर कागज पे लिख दो। बोले सर कागज पे कैसे लिख दूं? तो मैंने कहा इसका मतलब नाटक कर रहे हो, कोई कहानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप बेवकूफ बना रहे लोगों का। वो बड़ी मजबूरी में फीस तो दे चुका है, वो कागज पेन देता हूँ, कागज पे लिखते हैं, मैं किसके सामने एक और चीज लिख रही है, कब से परेशानी है ये? फिर वो सोचता है कब से है परेशानी, फिर उससे पूछता हूं कि इस परेशानी में अभी तक आपने क्या किया है। और जब वो इतनी सारी बातें लिखता है ना वो, तो उसे लगता है कि आधी समस्या का समाधान तो मेरा हो ही चुका है, तो बाकी जो बचता है उसको फिर मैं देखता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद उनको नहीं पता होती, या पता होती हैं तो भूल गए होते हैं, या करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो ये चिंता है, चिंता को कागज पे लाना है। अब फॉर्मूला क्या है? ये तो पहला स्टेप है, खत्म नहीं हुआ है। चिंता को कागज पे लिखना है कि चिंता क्या है, कब से है और अभी तक आपने क्या किया। अब उसके बाद आपने देखना है कि इसके लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अभी तक जो किया उसका अगला स्टेप, अभी तक क्या क्या, कागज पे ध्यान रहे, मुंह जबानी कुछ नहीं चाहिए। इफ यू कांट इवन राइट इट यू विल नॉट प्रोबेबली डू इट। अगर आप लिख भी नहीं पा रहे हो तो कर तो सकते ही नहीं हो। आप सोचिए, आप अगर पूरे विश्व की चिंताएं इकट्ठी की जाए कितनी होंगी। अब कह रहे मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो लिख नहीं पा रहे अब करोगे कैसे? लिखना तो आसान है, करने तो बात दूसरी है। तो कागज पे लिखें कब से है, अभी तक क्या किया है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है कुछ बचा, मैं थेरेपी कराता हूं काफी सारे क्लासेज में अपनी, वहां पे हम एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज में देखते हैं काफी सारी चिंताएं जब कागज पे लिखते हैं तो पता लगता है कि बचपन में कई बार मैंने तो ठीक किए चीजें, लोगों को पढ़ाया है मैंने, ये तो मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन दिमाग में इतना किच 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 इकट्ठा कर लिया है कि आदमी सोच ही नहीं पाता। चिंता एक नहीं, बहुत सारी है। तो डेली कागज पे लिखो और आराम से सो। तो पहले आपने लिखा कब से है, चिंता क्या है, कब से है, अभी तक क्या किया, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद कौन एक्सपर्ट है इसका? अब जब आप इतना सारा हो गया ना आपके पास एक्सपर्ट से पूछने के बाद, फिर आपकी तीन चीज रहते हैं, आई कॉल इट पार, PAR, प्लानिंग, एक्शन और रिव्यू। आपने उसको शेड्यूल में डालना है। शेड्यूल में डालने के बाद वही करना है जो आपने शेड्यूल में डाला, यानी कि एक्शन, और उसको हफ्ते में एक बार रिव्यू करना है। अगर आपने जो प्लान किया वही एक्शन किया, यानी कि एक्शन लेने से कागज पे पहले प्लान किया फिर वही एक्शन लिया और हफ्ते में एक बार रिव्यू कर लिया, तो आप ये मानिए कि चिंता जैसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। चिंता जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब आप एक बात सुनिए, आपने चिंता की तो दो बातें होंगी, या तो कुछ होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो फिर चिंता किस बात की, और नहीं होगा तो फिर चिंता किस बात की। एक मेरा आर्टिकल है मेरी वेबसाइट पे, गीता इन टू वर्ड्स, क्योंकि लोगों के पास टाइम है नहीं आजकल। तो मैंने कहा राकेश जी इतना लंबा सार गीता का लिखा है, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे अपने साथ, इसको सिंपल करो। तो मैंने गीता दो वर्ड्स में खत्म की। तो पहला वर्ड है डिटैचमेंट। आपको किसी भी चीज से आसक्ति ना हो, अनासक्ति भाव में रहना। दूसरा समर्पण, आपको हमेशा जिस भगवान को आप मानते हो पूरी तरह से समर्पित रहें, मतलब आधा कच्चा विश्वास रखते हैं। मतलब एक भक्त भगवान से बात कर रहा है कि प्रभु मुझे उम्मीद है कि अब तो आप मेरा काम कर दोगे, तो प्रभु भी हाजिर हो गए, बोले तुझे सिर्फ उम्मीद है, विश्वास नहीं है। तो आप यकीन मान लीजिए, आप आसक्ति किसी चीज आसान नहीं है, इसके लिए तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, संयम से रहना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने दिमाग को, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। कई लोग बोलते हैं राकेश जी बात तो ठीक कह रहे हो, आधा घंटा एक घंटा लगाते हैं मानने में, बात तो ठीक कह रहे हो लेकिन मुश्किल बहुत है। मैंने कहा तो आसान है, असंभव तो नहीं है ना। तो आप करके देखिए, आप जितना भी कर पाए वो आपको देख रहे हैं कि आप इसके लिए कितने कमिटेड हैं, कितने एक्साइटेड हैं। तो चिंता कोई नहीं है, आपको सिर्फ कागज पे लिखना है। आपने कागज पे लिखा और चिंता खत्म। अब आते हैं सेफ्टी पड़ाव पे।
और सेफ्टी पड़ाव में हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। आज एक नई चीज मैं आपको दे रहा हूं, जितनी भी दुर्घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं वो 97% केसेस स्पार्क की वजह से होते हैं, पैनल में, जो इलेक्ट्रिकल पैनल में, उसमें स्पार्क की वजह से। तो जितने भी पैनल्स हैं आप उनके पास एक्सटिंग्विशर तो रख ही सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि उस पैनल के अंदर एक ट्यूब बिछा दी जाती है जिसके अंदर गैस भरी होती है, मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं, और उसके बाहर एक एक्सटिंग्विशर की शैल भी लगी होती है, उसके अंदर भी गैस भरी होती है। ये जो ट्यूब है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फटती है, ये प्योरली चार्ज है, ये डिटेक्शन भी करती है और एक्सटिंग्विश भी करती है, यानी कि आग को जांचती भी है, उसको सेंस भी करती है और आग को बुझाती भी है। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्लेम मिलती है तो तेजी से वहां से गैस निकलती है और वो आग को बुझा देती है। तो आज आप इतनी बड़ी कोठी बनाते हैं, हमने काफी सारे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनकी कोठियों में काम किया है, पूरा उनकी पूरी फायर सेफ्टी का पूरा जायजा लेने के बाद पूरे सिस्टम्स लगाए हैं, उनको मेंटेन करते हैं, तो उसमें हम बताते हैं कि पैनल्स में जरूर आप लगाएं। तो कहते हैं सर इतनी महंगी कोठी बना रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए छोटा खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मकान बन चुकी है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वायरलेस अलार्म लगा सकते हैं, जिसमें क्योंकि बाद में तार बिछाने में दिक्कत होगी तो आप वायरलेस अलार्म लगा सकते हैं, तो आपको जब भी कहीं धुआं उठेगा तो अलार्म बजेगा। आपके पास ऑटोमेटिक पैनल में वो लगी हुई है, जो मैंने आपको बताया ट्यूब बेस्ड फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है, आपकी कार के बोनेट में स्मैश नाम का एक सिंगापुर का प्रोडक्ट है वो लग जाता है, उसके अंदर मल्टी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया पाउडर होता है, मोनो अमोनियम फास्फेट, वो लगा भरा होता है, वो फटेगा वही कार बुझेगी, बोनेट तो खोल नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपको कभी अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। एंड पहले हम सर्वे करेंगे, वी बिलीव इन एजुकेटिंग फर्स्ट, इस नॉट दैट वी आर सेलिंग, बिकॉज वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ट्रांजेक्शन इमीडिएटली। सो विद दिस आई विल स्टॉप माई सेल्फ, यू प्लीज हैव अ वंडरफुल डे, कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है, आपके सब्जेक्ट जरूर भेजें जिन सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जयपुर से सुरेश जी ने एक सब्जेक्ट मुझे भेजा था पर्सनली और मैं उस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी डिस्कस करने वाला हूं। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है, ये फेसबुक आपको इंस्पायर करती है, तो आप इसका लिंक अपने दोस्तों को, अपने वेंडर्स को, अपने क्लाइंट को, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को भेजें ताकि वो लोग भी अपने लेवल पर जा सकें, क्योंकि सबका परोपकार करना हमारा सबका उद्देश्य है। अभी देख लेते हैं, अनिल ओब्राय जुड़े हैं बहुत दिनों बाद, प्रवीण कुमार पांडे जुड़े हैं और श्रीकांत सैनी जुड़े हैं और कुछ लोग हैं बीच में। एनीवे अभी टाइम काफी हो गया है, अभी समय का भी ध्यान रखना है। आप सब लोगों को शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।